देखा था कि यहाँ पे तीन केसेस थे। अगर ये थीटा एंगल बराबर है टेन इनवर्स के माइन टेन इनवर्स ओवर बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉज ऑफ थीटा, अगर ये पैरेलल होंगे तो एंगल बनेगा थीटा 0 डिग्री का, तो अल्फा एंड में जो डिटेक्टर का आंसर आएगा वह 0 डिग्री। एंटी पैरेलल है तो आंसर आएगा, अगर 180 डिग्री पुट करेंगे तो आएगा अगेन 0 डिग्री, अगर परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री का एंगल होगा तो आएगा मैक्सिमम मतलब इनवर्स बी ओवर ए। यहाँ तक तो ये डिटेक्ट हो चुके हैं चीज़ें, अब नेक्स्ट करते हैं। कंसीडर टू वैक्टर ए एंड बी, यहाँ पर एक और केस दिखाया जा रहा है। कंसीडर टू वैक्टर्स ए एंड बी इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल थीटा, वो एंगल थीटा है दो वैक्टर के दरमियान, इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन बाय द साइड ओ ए एंड ओ सी। ओ ए एंड ओ सी दो वैक्टर्स हैं, ओ ए एंड ओ सी ऑफ पैरालेलोग्राम ऑफ ओ ए बी डी। ओके, ओ ए ओ ए ओ ए बी सी, ऐसे पूरी बन रही है आपकी पैरालेलोग्राम, डी नहीं है सी है। अकॉर्डिंग टू पैरालेलोग्राम लॉ द डायगनल ओ बी विल रिप्रेजेंट, जो डायगनल है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो जो एंगल है वो है ओ डी बी, ओ डी बी एंड ए डी बी, ओ डी बी ए डी बी। अब यहाँ पे दो आपकी ट्राइंगल बन चुकी है, ओ डी ओ डी बी की और ए डी बी, आपकी दो एंगल्स बन चुके हैं। सो ये आपस में विल रिड्यूस टू सेम ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन एंड इट विल गिव द सेम रिजल्ट। अगर हम इसको रिड्यूस कर देते हैं दोनों ट्राइंगल्स को, मतलब ये भी ट्राइंगल्स बनती है, ओ कौन कौन सी बनती है, ओ डी बी एक बड़ी ट्राइंगल है और दूसरी है ए डी बी, ये दो ट्राइंगल्स बनती है, ये बिल्कुल सेम ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा, रिजल्ट भी इनका सेम होगा, वो भी किसके बराबर आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। इसमें अभी अल्फा पुट करेंगे बिल्कुल वही सेम रिजल्ट होंगे। अब यहाँ पे लास्ट लाइन जो बताई जा रही है वो क्या है, यहाँ पे लास्ट लाइन वो क्या है देखते हैं। If three vectors are represented in magnitude and if three vectors are represented in magnitude and direction by the three side of a triangle taken in the same order, their resultant is zero. हमें पता है कि वैक्टर होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस, किसका आएगा ज़ीरो वैक्टर के, इसका रिजल्टेंट ही ज़ीरो आएगा, क्या आएगा रिजल्टेंट ही ज़ीरो आएगा। सो ये हमारा सेम था जो हमने पहले किया है, कुछ केसेस यहाँ पर डिस्कस हुए, कौन कौन से केसेस देख लेते हैं कि आपका जो रिजल्टेंट था यहाँ पर वो था ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा स्केयर, अगर हम ए को बी की जगह पुट करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। यहाँ पे एक रूल ये इस्तेमाल है, कॉस थीटा ओवर टू बराबर है कॉस हाफ एंगल, इसे कहते हैं हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला, ये क्या है हाफ एंगल फार्मूला। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम रिजल्ट रहेगा, वही आपको बताया जा रहा है, शक्ल भी कौन सी थी उसको भी याद रखेंगे हम, वो किसके इक्वल है वो आपको यहाँ यही बता रहा था कि अगर ये आपका एंगल है ओ ए बी डी, ये सीख लेते हैं तो ये बराबर है ये ए के, ये आपका जो बी है ये इसका है बी साइन ऑफ थीटा और ये है बी कॉज ऑफ थीटा, जब ओ बी बराबर होगी वो किसके बराबर होगी ए प्लस बी कॉज ऑफ थीटा के और बी डी बराबर है बी साइन ऑफ थीटा के, मतलब पूरा होल बराबर है इन दोनों का, जब इनका रिजल्टेंट रहेंगे पूरा तो ऐसे ही आएगा जैसे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, एक तो आपने याद रखना है, दूसरा रिजल्टेंट आपको यहाँ ये बता रहा है जो इसका एंगल बनता है वो है एंगल बराबर है टेन इनवर्स बेस साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉज ऑफ थीटा। तो ये आपके कुछ फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट एडिशंस ऑफ वेक्टर्स, वो दो थे, एक था इसका ग्राफिकल मेथड ट्रायंगल लॉ और था
पैरालेलोग्राम लॉ, जिसमें हम कमोटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं प्रूव। कमोटेटिव क्या लॉ क्या करता है, ओबे करता है वेक्टर एडिशन।